आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। फॉर अ सुक्रोज सॉल्यूशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, देन व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl सॉल्यूशन फॉर सेम मोलर कंसंट्रेशन। हमसे क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl सॉल्यूशन फॉर सेम मोलर कंसंट्रेशन। ऑलराइट, तो देखो इस केस में क्या है, हमारा क्या होएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऑलराइट, तो अगर मैं स्टेटमेंट में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अवर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे प्रॉपर्टी जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करें वो हमारी क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऐसी हमारी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। अब आई आगे की बात, तो देखो हमारा डेल्टा टी भी किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन, ठीक है। अब देखो जब हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज के केस में क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, फॉर ग्लूकोज हमारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, एन इक्वल्स टू वन ही रहेगा। तो डेल्टा टी भी किसके इक्वल आ जाएगा आपका, 0.1 इंटू वन, कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है। मोलैलिटी आपको दी गई थी कितनी, सेम मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, सेम मोलर कंसंट्रेशन दी गई थी, तो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या आ गया आपका, डेल्टा टी भी कितना आ गया 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा हमारा कौन सा है, NaCl, फॉर NaCl, देखो जब आप NaCl को डिसोसिएट करोगे तो ये किस में डिसोसिएट होगा, Na प्लस और Cl माइनस, इन दोनों में ये आयनाइज होगा, तो टोटल आयंस कितने आ गए हमारे पास, 2 आयंस हो गए, तो N की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 2। तो इस केस के लिए अगर हम डेल्टा टी भी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 0.1 इंटू 2, कितनी हो जाएगी 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे भी किसमें था, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो डेल्टा टी भी कितना आ गया हमारा, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना एलिवेशन होगा। ऑलराइट, इतना हमारा क्या होगा एलिवेशन। तो अगर हमसे ये पूछा गया था कि क्या कितना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा, तो अगर ऑप्शन चेक करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नीचे देखो एक बार, ये देखो कितना हमारा डेल्टा टी भी कितना आ रहा है, देखो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये किसके लिए, हमारा NaCl के लिए। ऑलराइट, हमसे इसने NaCl के लिए पूछा रहा, तो कितना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।